औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम रोशनी के सफ़र में मुनाफिकीन के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे स्कूल के हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रोशनी के सफ़र में हम दीन के बारे में बात करते हैं और आज भी एक टॉपिक ऐसा ही है नफकीन के बारे में। मौलाना साहब, नफकीन की कोई सी किस तरह पता चलता है कि कोई मुनाफिक है? नाफिक की दो अकसाम होती है, एक तो अकीदे होती है और दूसरी जो है वो हमें जारी फाक है। नाफिक जो नाफिक होता है उसमें अगर आप ईमान में खानत करेंगे तो ये ताकत की निशानी होती है। हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी मौजूद है जो नामा साहब से कुछ सवाल करना चाहती है, तो पहला सवाल आप करें। नाना साहब, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक असल मोमिन कौन है? अल्लाह के नज़दीक असल मोमिन वो है जो तौहीद और रसालत के बाकी इकरार के साथ साथ दिल से भी इसे तस्लीम करे, वो अल्लाह के नज़दीक होता है मोमिन। और भी सवाल करना चाहते हैं, नाफिक तीन इंसान और इंसान है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वादा खिलाफी करने वाला भी नाफी बोलता है और झूठ बोलने वाला भी, तो और भी बहुत सी ऐसी है कि ये वादा कि ये वादा खिलाफी नहीं है। और जैसा कि नाफी की निशानियाँ इस तरह से ज़ाहिर होती हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे या वादा खिलाफी करेंगे, ठीक है, तो ये बाकी निशानी है। अगर कोई हमें फ़ोन करके मौलाना साहब से कोई इस बारे में बात करना चाहता है तो हमारा नंबर है 0514611522। अगर कोई ईमेल के ज़रिए हमें ईमेल भेजना चाहता है तो toba.academy@gmail.com। अब अगले हफ्ते के लिए खुदा हाफिज़। हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।